हायर सेकेंडरी स्कूल हलारन वाइस प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल हलारन हमारे पुराने उस्तादीजा कराम जो रिटायर हुए सरवाल साहब और जमात अली साहब इसाक रशीद और बाकी मौजूद हाजरी मैं सबका नाम यहाँ लेने बैठूंगा तो तब तो शाम हो जाएगी, लिहाजा इस बारे में मैं आप सब से माजरत चाहता हूँ। तो आपका मैं बहुत ही दिल की गहरी उम्मीद से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना ये कीमती टाइम निवाका हल के इस मजलिस की जो रौनक बख्शी, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस मसरूफियात के वक्त हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब डोडा यहाँ आए और इस तकरीब को रौनक बख्शी, साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर साहब भी और हमारे प्रिंसिपल साहब विनोद कुमार भट्ट जी, वाइस प्रिंसिपल राजेंद्र सर जी और क्लस्टर के सभी टीचर हजरात ने इस थोड़े से टाइम में बहुत मेहनत की तो ये प्रोग्राम हम सब के सामने आया। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम आइंदा भी ऐसी कोशिश करेंगे जिससे कि हर एक इंसान को इज्जत मिलेगी। आप सभी समझते हैं जानते हैं कि हमारा पेशा कितना पाक कितना मुतबरिक है, लेकिन ये पाक और मुतबरिक कैसे बनेगा कहने से नहीं बनेगा, बस इसके लिए हमें काम करना है तब जाकर ये पाक बनेगा तब जाके ये मुतबरिक बनेगा। कि हमने इन बच्चों की छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हमारे सामने हैं इनकी जिंदगी जो है हम एक उस्ताद के हाथ में है, उस्ताद चाहे तो इन बच्चों की जिंदगी बना सकते हैं, उस्ताद चाहे तो इन बच्चों की जिंदगी जो बगाड़ सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हम आइंदा के लिए ऐसा मुसम्मम इरादा करेंगे कि आज तक अगर हमसे कुछ गलतियां कोताहियां भूल चूक हुई हो है, बंदा बशर है होता रहता है, लेकिन आज के बाद हम पक्का मुसम्मम इरादा करेंगे कि हम अपनी जो है ये ड्यूटी जो है हमारा जो फर्ज है हम इसको अच्छी तरह से निभाएंगे। आप सभी ने तो सुबह से मेरी कारकर्दगी के बारे में बोला, अब खुदा से भी दुआ कर लेना कि खुदा इसको कबूल करे है? खुदा राजी हो जाएगा तो मेरा भी मसला हल हो जाएगा। बच्चों के बारे में जो है ना मुझे बहुत ही इनसे मोहब्बत है, दिल तो कहता नहीं यहाँ से जाने को, लेकिन ये ऐसी मंजिल है कि ये जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इंसान जो है ना ये बहुत सी मंजिलों से गुजर कर चला जाता है। पहले ये हवा में होता है, फिर अनाज में आता है, फलों में आता है, वहाँ से होके बाप की पुश्त में आता है, वहाँ से होके माँ के रहम में आता है, वहाँ से होके दुनिया में आता है, दुनिया से होके ये कब्र में चला जाता है, वहाँ से आगे और एक मंजिल है। तो ये एक जगह रुकता नहीं है, लिहाजा ये चलो चली इसके साथ लगी है, लेकिन जो भी हमें यहाँ टाइम मिलेगा उसको गनीमत समझ के अपने फराइज जो है अच्छी तरह से निभाने हैं सबने। तो मैं आप सबका बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ कि हमारी यहाँ बहनें हैं बेटियाँ हैं बच्चे हैं सुबह से भूखे यहाँ हैं, तो यहाँ से जाहिर होता है कि आप में मेरी कितनी मोहब्बत है। तो हर एक टीचर से मेरी गुजारिश है कि ऐसी ही मोहब्बत हमारे हर एक इंसान के दिल में होनी चाहिए। ये मोहब्बत तभी मिलती है जब इंसान वैसा काम करे, काम करने से ही इंसान को इज्जत मिलती है, नाम से इज्जत नहीं मिलती है। एक वाक़ा मैं आपको बताता हूँ, ज़रा आप मुतवज्जा हो जाएं। जब मैं 99 में डीएड करता था तो वहाँ कश्मीर के हमारे प्रिंसिपल साहब थे डाइट के, तो उन्होंने कश्मीरी में एक बात कही थी, ऐसे बोला था, मैं बात में उसका तर्जमा बोलूँगा। वो कह रहे थे कि कश्मीर में नो साख स्कूल,
तो उस जमाने में जो थे हेडमास्टर जो होता था उसके सार पर मसाफा होता था, तो एक छोटे बच्चे ने गंदगी कर दी, तो हेडमास्टर साहब ने टीचर से कहा कि इसको उठा लेना था, बच्चे छोटे बच्चे हैं, गंदगी कर दी तो क्या हुआ, आपने इसको उठाना था, साफ करना था। तो टीचर आगे से बोला कि जनाब मेरे पास दस्तार नहीं था, हेडमास्टर के साथ तो दस्तार था लेकिन टीचर के सर पे नहीं था। तो टीचर ने जवाब दिया, सर मेरे पास दस्तार नहीं था तो मैं कैसे उठाता। तो हेडमास्टर साहब ने कहा दस्तार नहीं था लेकिन आपकी जबान थी, जबान से आपने इसको साफ करना। ये थे टीचर और ये काम था टीचरों का, ये इतनी मोहब्बत थी बच्चों से तभी जाकर इतना बड़ा अजीम पेशा कहा गया इस टीचर को। तो अब वक्त की बहुत किल्लत है, कहना तो बहुत कुछ चाहता था मैं फिर से। असल में हमारे साथ जो है ना इन बच्चों की लोगों की दुआएं होनी चाहिए, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हर एक हमारी इज्जत करेगा। इज्जत कोई दूसरा नहीं देता है बल्कि इज्जत हम खुद देते हैं अपने आप को। अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे, छोटू बच्चों की इज्जत करेंगे, इनसे प्यार करेंगे तो ये भी हमसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो पीरियड हमें मिलता है अपना ये फर्ज निभाने का, तो इसमें ले तो लालच नहीं करना है, चालाकी नहीं करनी है। आपको मैं अपना एक वाक़ा बताता हूँ, ज़्यादा तो क्या कहूँ, अपनी कारकर्दगी पे आपने सुना तब यही गुजारिश है कि अल्लाह कबूल फरमाए इसको। अपनी सर्विस के दौरान सिर्फ मैं 2 दफ़ा चीफ एजुकेशन ऑफिसर गया हूँ डोडा, बाकी मेरा तमाम वक्त जो लगता था वो स्कूल में लगता था, वो भी एक जब मैंने डीएड की ट्रेनिंग पास की थी उसके बाद ज्वाइनिंग डाली थी वहाँ पे, उस दिन गया हूँ। और फिर एक दफ़ा मुझे एग्ज़ाम ड्यूटी लगी थी तो वहाँ से गया था मैं वो क्वेश्चन पेपर लाने। बाकी ना मैं ट्रांसफ़र के लिए कभी किसी ऑफिसर के पास गया हूँ, ना और किसी चीज़ के लिए किसी ऑफिसर के पास गया हूँ, और ना किसी ऑफिसर को देखकर मैंने काम किया है। मैंने खुदा को देख के और इन बच्चों के मुस्तकिल देख के मैंने आज तक काम किया है। तो आपसे भी गुजारिश है कि इसी तरह मेहनत करना, ये मेरा पैगाम जो है, मैसेज जो है, ये कयामत तक इसको आगे चलाते रहना। तो मैं इन्हीं अल्फाजों से आपसे जुदा होता हूँ, खुदा हाफिज़। मैं दोबारा आपका फिर तहे दिल से आपका शुक्र गुजार हूँ, तहे दिल से मैं शुक्र गुजार हूँ कि आप सुबह से यहाँ अभी भूखे हो, आप काम का वक्त है यहाँ असोज में, मुझे पता कितना काम होता है। तो हमारी इन बेटियों ने कितना वक्त ये निकाला आज, अल्लाह इनको जजाए खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर स्कूल में मैं जाता रहूंगा अगर वहाँ के उस्तादीजा जो है बुरा ना मानेंगे। और जहाँ भी कोई मुझे बुलाएगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर वहाँ हाज़िर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आप फ्री हूँ। आज तक मुझे अपने बच्चों के पास बैठने का भी वक्त नहीं मिला है, बच्चे मेरे जवान हो गए हैं, बच्चों के साथ मिलकर बैठने का वक्त मुझे नहीं मिला है, वो तमाम वक्त मुझे स्कूल में लगा है। तो आप मुझे ये थोड़ा सा टाइम मिला है, इसमें भी मैं ले तो लालच नहीं करूंगा, जहां भी आप मुझे बुलाओगे मैं तैयार हूं हर हिसाब में। तो मैं इन्हीं अल्फाजों से आप सबसे रुखसत होता हूं, मुझसे आज तक गलतियां कोताहियां भूल चूक हुई होगी तो सभी माफ कर देना, छोटे बच्चों से भी गुजारिश है तो वो भी माफ कर देना, कभी थप्पड़ मारा होगा किसी को या कभी किसी को डांटा होगा, उस्ताद जो है हमदर्दी से ही डांट टपट भी करता है, जिद से कोई भी करता है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि सभी मुझे आप माफ़ कर देना, और अल्लाह ताला से दुआ कर लेना कि ये जो मैंने आज तक काम किए इनको अल्लाह ताला कबूल करे और आइंदा भी मुझे ऐसे काम करने की तौफीक अदा फरमाए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु सुभाना रब्बिकल अज़ीम सलामुल करीम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू सर।